मिळत असेल तर अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका कारण काळ अनंत आहे वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका सतत कर्तव्य करीत रहा आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल उठा जागे व्हा थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही का हर पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको डेली पढ़ना। मैं आप लोगों का 10 मिनट समय लूँगा और जो भी प्रश्न मैं करूँ उसका आप मुझे हाँ या ना में जवाब देना। आप लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और जाकर गुब्बारा खरीदते थे। आप भी जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई सामान दिखता है, आपके मन में खरीदने की इच्छा होती है, हाँ या ना? एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया। कौन सा बच्चा? गुब्बारे वाले के शर्ट को खींचा। अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते? कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते? उस काले बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? नहीं। आप बताओ, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? उड़ेगा। गुब्बारे वाले ने उस काले गरीब बच्चे के सर पर हाथ रखा और प्यार से बोला, बेटा काला गुब्बारा भी उड़ेगा, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। गुब्बारा किस वजह से उड़ता? कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? आप सभी बच्चे भी गुब्बारे की तरह हैं। अगर आप भी पढ़ाई करते हैं, टीचर जो आपको क्लास में बताते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं, किताबों को दिमाग लगा करके मन से पढ़ते हैं, तो आप भी एक दिन गुब्बारे की तरह उड़ेंगे। यस और नो? आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है। आपके अंदर इच्छा कितनी है? अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है? दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता क्या? अगर गरीब बच्चे का दिमाग भी पढ़ाई में लगे तो उसे पढ़ाई समझ में आएगी या नहीं आएगी? और आप सभी बच्चे सफल हैं। अगर आप क्लास 7, 8, 9 में हैं तो आप लोगों ने 6 बार 7 बार एग्जाम पास किया, किया या नहीं किया? तो आप सभी सफल हुए या नहीं हुए? मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आप फिर से उठकर खड़े हुए थे, हाँ या ना? अगर गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते? नहीं। जब आपने ए लिखना शुरू किया था, आप सबों को ए लिखना आता है, यस और नो? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, यस और नो? और प्रैक्टिस करते करते आप ये लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है। सफलता का कोई नया नियम नहीं है।
जो काम आपने बचपन में किया वही काम जीवन भर करना है। आज भी आपको कई सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, कई संस का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे। यस और नो? यस। और प्रयास करना किसके हाथ में है? हमारे। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने स्टूडेंट आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? रेज योर हैंड। सभी, आप सभी बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? यस और नो? यस। ठीक है, हाथ नीचे करो। और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? एक और प्रश्न करता हूँ कि जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? और अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं। कितने स्टूडेंट्स को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ। कितने स्टूडेंट्स को महान व्यक्ति बनना है? हाथ उठाओ। तो आपको क्या करना है, प्रयास चालू रखना या बंद रखना? ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक और प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, सोचा या नहीं सोचा? आपने क्या सोचा बेटा, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। आपने सॉरी बोलना, अभी नहीं सोचा है तो कोई अर्थ नहीं है, सोच लेना। आपने कुछ सोचा? इंजीनियर। आपने कुछ सोचा क्या बनना है? अभी नहीं सोचा है, सोच लेना। और किसी बच्चे ने कुछ सोचा क्या बनना है? ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चों ने सोचा है कुछ ना कुछ बनना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं सोचा हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी बस में सवार होते, किस चीज में सवार होते? और बस का कंडक्टर पूछता कहाँ जाना है, क्या पूछता? और आप बोलते हैं मालूम नहीं। आप बस के कंडक्टर को क्या बोलते हैं? बस का कंडक्टर कहाँ का टिकट देगा आपको? कहीं का टिकट देगा क्या? नहीं। और कुछ दूर जाकर बस से नीचे उतार देगा। फुटबॉल का खेल जानते हैं? फुटबॉल का खेल, अगर फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट नहीं हो तो खेल हो पाएगा क्या? नहीं। उसी तरीके से अगर आपको ये जीवन में मालूम नहीं कि क्या बनना है, कहाँ जाना है, तो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? तो जिन बच्चों ने भी ये नहीं सोचा है कि जीवन में क्या बनना है वो सोच लेना। कब तक सोच लेंगे? कब तक सोच लेंगे? एक दिन, दो दिन, एक महीने में सोच लेना। पांच साल, दस साल का समय नहीं लगाना, नहीं तो पांच साल, दस साल बाद सोचोगे तो बनोगे कब? यस और नो? तो आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? अगर आज आप 10 साल पढ़ाई करते और जो आपने सोचा आप बन जाते तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? और अगर आज आपने 10 साल पढ़ाई नहीं की, समय को बर्बाद किया और आप कुछ नहीं बन पाए तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? तो आपके पास विकल्प नंबर एक है। विकल्प समझते क्या? ऑप्शन। ऑप्शन समझते क्या? शर्त। शर्त नंबर एक है 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। शर्त नंबर एक क्या है? 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। शर्त नंबर एक क्या है? 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। शर्त नंबर एक क्या है? 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। और शर्त नंबर दो है 10 साल का आराम और 40 साल की परेशानी। शर्त नंबर दो क्या? 10 साल का आराम, 40 साल की परेशानी। शर्त नंबर दो क्या है? 10 साल का आराम, 40 साल की परेशानी। कितने बच्चों को शर्त नंबर दो चाहिए, हाथ उठाओ। किसी को शर्त नंबर दो नहीं चाहिए? चाहिए क्या? नहीं।
सभी बच्चे 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, यस और नो? अभी देखो, जब आपको सोचने में कितनी खुशी मिल रही है कि 40 साल आराम मिलेगा कुछ बन गए तो जब आप वास्तव में बन जाओगे और वास्तव में आपको खुशी मिलेगी, वास्तव में आपको आराम मिलेगा, तो कितनी खुशी मिलेगी आपको? मिलेगी ना? तो 10 साल अगर मेहनत करके 40 साल का आराम मिलता है तो क्या दिक्कत है? आप एक नारा बना लेना असेंबली में और क्लास में, जब भी आपस में मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षा की मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा का आराम। कोई एक स्टूडेंट आओ और वो बोलो 10 वर्षा की मेहनत, बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षा का आराम। 3 बार बोलो। बोलने में आप लोग संकोच मत करो। दहा वर्षाची मेहनत 40 वर्षाचे आराम। 10 वर्षाची मेहनत 40 वर्षाचे आराम। 10 वर्षाची मेहनत 40 वर्षाचे आराम। आप लोग तैयार हैं? एक लास्ट बात आपको और बताता हूँ कि आप में से कई बच्चों को साइकिल चलाना आता है, आता है क्या? आज आपके लिए साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल है? और बचपन में जब शुरू किया था तो बचपन में मुश्किल था, आज आसान है, क्यों? काम तो वही है ना, प्रैक्टिस किया। हाँ, देखिए आप लोग कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब समझते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने से जो साइकिल चलाना मुश्किल था वो साइकिल चलाना आज आसान हो गया। अब जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उनके लिए पढ़ना आसान या मुश्किल? और जिनको नहीं पढ़ने की आदत है? मुश्किल। तो आपकी बातों से ये साबित होता है, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आपकी बातों से ये प्रूफ होता कि जिस चीज की आदत हो जाए वो काम आसान हो जाता है, यस और नो? अगर आप पढ़ने की आदत डाल लें तो पढ़ना आसान हो जाएगा, और अगर पढ़ना आसान हो गया तो नंबर लाना आसान हो जाएगा। तो किसी काम को आदत डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। साइकिल चलाने के लिए क्या किया आपने? आज साइकिल चलाने की आदत हो गई और साइकिल चलाना। उसी तरीके से अगर आपने पढ़ने की आदत डाल ली तो पढ़ना और पढ़ना आसान हो जाएगा, तो आप रोज पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को पढ़ने की आदत है उनको आप पढ़ने से मना करो, वो मानेंगे क्या? नहीं। मानते हैं? नहीं। और जिनको नहीं पढ़ने की आदत है उनको बार बार बोलने पर भी वो पढ़ाई नहीं करते, यस और नो? यस। तो आप आदत डाल दो, जीवन में आपको जिस चीज से आगे बढ़ने में मदद मिलती है ना, उस काम को करने की आदत डाल दो। अगर आप आदत डाल लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। आपको जीवन आसान बनाना है या मुश्किल? आसान। और अगर आप बुरी आदत डाल दिया तो जीवन आसान हो जाएगा कि मुश्किल? मुश्किल। अब देखो कितना सरल है, जीवन आसान बनाना, मुश्किल बनाना किसके हाथ में? हमारे। आदत डालना किसके हाथ में? हमारे। अच्छी आदत डालेंगे कि बुरी आदत डालेंगे, इसका चुनाव कौन करेगा? सब कुछ आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में कुछ है क्या? सिर्फ आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अच्छी आदत डालनी है, और अच्छी आदत डालने के लिए उस काम को बार बार करना है। अगर आप किसी काम को 21 दिन एक महीने तक करते हैं तो उस काम को करने की आदत हो जाती है। आपको अगर टेलीविज़न देखने की आदत डालनी है, टेलीविज़न देखने की आदत कितने बच्चों को टेलीविज़न देखने की आदत डालनी है, हाथ उठाओ। कितने बच्चों को पढ़ने की आदत डालनी है, हाथ उठाओ। ठीक है, तो आप अगर बार बार पढ़ाई करेंगे ना तो आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, यस और नो? तो आप लोग पढ़ाई की आदत डाल लें, प्रतिदिन 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ें और इससे आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी और पढ़ना आसान हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर को जानते क्या? सचिन तेंदुलकर क्या करता था?
चलो आप लोगों ने कम से कम मुझे बता दिया, मैं सोचता था कि वो फुटबॉल खेलता था। सचिन तेंदुलकर क्या करता था कि जब उसके बाकी के दोस्त एक मैच में प्रैक्टिस करके घर चले जाते थे, सचिन घर नहीं जाता था, क्या करता था, ज्यादा प्रैक्टिस करता था, दूसरे मैच में प्रैक्टिस करता था। और ज्यादा प्रैक्टिस करने से उसका खेल बेहतर हो गया और आज वो बेहतर बल्लेबाज हो गया। अगर सचिन बाकी के दोस्तों के तरह एक मैच में प्रैक्टिस करके घर चला जाता तो आज इतना बड़ा बल्लेबाज बन पाता नहीं। तो अगर आपके दोस्त दो घंटा पढ़ते तो आपको कितने घंटा पढ़ना चाहिए, चार घंटा। अगर आप अपने दोस्तों से ज्यादा पढ़ेंगे तो दोस्तों से ज्यादा नंबर और दोस्तों से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा पढ़ाई करें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, है क्या? नहीं। तो आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई है? हाँ। अब मैं अपनी बात तीन लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और लास्ट बात बताई, 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। आप लोग तैयार हैं? आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। दो लाइन की क्या समझा और क्या करेगा, प्लीज हिंदी मराठी इंग्लिश एनी लैंग्वेज। संकोच मत करना, बचपन में आप चलने से संकोच करते तो चलना सीख पाते? आज अगर बोलने से संकोच करेंगे तो बोलना सीख पाएंगे? और बोलना जरूरी है या नहीं है? शुरुआत कब से करेंगे? अभी से। आइए माइक पर आइए और दो दो लाइन बताइए क्या समझा, दो तीन स्टूडेंट प्लीज। सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण केलाय आणि जर आपण आता मेहनत केली तर आपल्याला 40 वर्ष आराम भेटू शकतो। आम्हाला खूप छान सांगितलं आणि मला ते खूप आवडलं, म्हणून मी आजपासूनच स्टार्टिंग करेल की मी खूप शिकणार आणि खूप मोठी होणार आणि माझ्या सगळ्या परिवारांना सुखी ठेवणार। और 10 साल की मेहनत 40 साल का आराम। मुझे भी डर लगता है, अभी भी डर लगता है, लेकिन मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, डर अपने आप बाजू हो जाता है। 10 वर्ष मेहनत करा पाहिजे आणि 40 वर्षाचा आराम करला पाहिजे आणि आम्हाला एवढी चांगली माहिती सांगितली त्याबद्दल तुम्हाला थँक्यू। आपण जर 10 वर्ष नुसता अभ्यासामध्ये मेहनत घेतली तर 40 वर्ष आपण स्वतःहून आराम पाहू शकतो हे तुम्ही आम्हाला सांगितलं, हे याबद्दल पण थँक्यू। आणि जसा फुगा वरती वरती उडत जातो तसं तसं आम्ही अभ्यास करून वरती वरती उडत जाऊ, प्रगती करू, प्रॅक्टिस सुरू करू। एक लास्ट बात बताता हूँ, जिन बच्चों को भी डॉक्टर बनना है वो अच्छे डॉक्टर बनना, बिना परेशानी के पैसे के लिए मरीज का ऑपरेशन मत करना, समझ गए? टीचर बनना है अच्छे टीचर बनना, स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाना, मन से पढ़ाना, दिल से पढ़ाना। इंजीनियर बनना है अच्छे इंजीनियर बनना, पैसे लेकर के गलत सड़क मत बनाना। जो भी बनना हो एक अच्छे इंसान बनना, यस और नो? यस। ठीक है, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो ऐसी हमारी शुभकामना, थैंक यू। बरीचशी माहिती समजली, उपयुक्त अशी। आम्ही सगळे शिक्षक जे आम्हाला जे काम आमचं कर्तव्य आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी सगळ्यांना माहिती सांगितलेली आहे, सगळ्यांना तुम्हाला समजलेली हे विशेष, आणि त्याचा पण तुम्ही उपयोग करा। नाहीतर अभ्यास करा म्हणून सांगितलं लगे तुम्ही विसरून जाल, दुसऱ्याचं ऐकू नका, आई वडिलांचं शिक्षकांचं ऐका, तर तुम्ही मित्र मैत्रिणींचं ऐकत बसता, असं करू नका। त्यांनी तुम्ही वागायचं कसं कसं कर्तव्य आपलं पार पाडलं पाहिजे, काय कशाची गरज आहे कशाची गरज नाही हे सगळं समजावून सांगितलेलं आहे। मी त्यांचं विद्यालयातर्फे आभार मानतो।